मॉर्निंग क्लास थर्ड एक्टिव इंग्लिश लिटरेचर रीडर बुक है आपकी। निकालिए आप चैप्टर 8 पेज नंबर 37 पैट्रियोटिक पिज़्ज़ा। 2000 ईयर्स एगो ग्रीक्स बैक फ्लैट डिस्क ऑफ ब्रेड एंड यूज्ड टू ब्रेड लाइक ए प्लेट। 2000 ईयर्स पहले ग्रीक में क्या हुआ, बैक्ड फ्लैट डिस्क ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड था उसका जो फ्लैट था उसको बैक किया गया एंड यूज्ड टू ब्रेड लाइक ए प्लेट, और ब्रेड को लाइक ए प्लेट के जैसे यूज किया गया। दे वुड फर्स्ट ईट द फूड ऑन टॉप ऑफ द ब्रेड। पहले क्या करते थे, दे वुड फर्स्ट ईट द फूड, वह पहले फूड को खाते थे ऑन टॉप ऑफ द ब्रेड, जो ब्रेड के ऊपर होता था। देन दे वुड ईट द ब्रेड प्लेट, और उसके बाद वो क्या करते थे, जो ब्रेड प्लेट है वो उसको खा लेते थे। People started to put toppings on the flat bread before it went into the oven. उसके बाद लोगों ने क्या शुरू किया, जब वो ब्रेड है जो वो ओवन में जाने लगा तो उसमें क्या करने लगे, वो put toppings, उसके ऊपर टॉपिंग करने लग गए on the flat, उस फ्लैट के ऊपर। This was an early form of today pizza. और ये क्या थी, ये आज के पिज़्ज़ा की स्टार्टिंग थी, अर्ली थी, शुरुआत थी। इन इटली, इटली में मैनी सेंचुरीज लेटर पीपल आल्सो एट ए फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा। मैनी सेंचुरीज लेटर, बहुत सेंचुरीज पहले जो इटली में लोग क्या करते थे, आल्सो एट ए फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का ही एक रूप उसको वो खाते थे। इट वॉज कंसिडर्ड फूड फॉर द पुअर, और ये किसके लिए जाना जाता था, ये पुअर लोगों के लिए जाना जाता था। मोस्ट पीपल हैड फ्लोर, कुछ लोगों के पास फ्लोर आटा होता था। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे आ जाइए। वाटर पानी ऑयल एंड स्पाइसेस, तेल और मसाले हुआ करते थे। दे कुड यूज दीज इंग्रेडिएंट्स टू मेक ए सिंपल पिज़्ज़ा, वो इनका यूज कहाँ करते थे, एक सिंपल पिज़्ज़ा बनाने में। वर्किंग क्लास पीपल ऑफ नेपल्स हैड शॉर्ट ब्रेक्स फॉर मील्स, जो वर्किंग क्लास जो मजदूर लोग थे कहाँ के, नेपल्स के, उनके पास फॉर मील्स भोजन के लिए क्या होता था, बहुत शॉर्ट ब्रेक, बहुत कम समय होता था। दे नीडेड चीप फूड दैट दे कुड ईट क्विकली, उन्हें क्या चाहिए था, कोई चीप फूड, सस्ता सा, कोई ज़्यादा चीप, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, सस्ता भोजन, काहे के लिए, they could eat quickly, जिसे वे जल्दी से खा सकें। Pizza made by local vendors was a perfect solution, और जो पिज़्ज़ा था वो वहाँ के लोगों के लिए, है ना, made by, वो जो वहाँ के लोगों के द्वारा बनाया जाता था, a perfect solution, एक perfect समाधान था उनको खाने के लिए। It could even be eaten without plates and forks, और इसमें न तो प्लेट का और न फोक का यूज़ होता था। In 1889, Queen Margherita and King Umberto I of Italy took a holiday in seaside town of Naples. जो वहाँ के क्वीन और जो क्वीन थे उन्होंने अपने हॉलीडेज के लिए वो कहाँ गए, नेपल्स के जो समुद्र तट का जो समुद्र तट था वहाँ पे, वो अपने हॉलीडेज में वहाँ गए। द क्वीन सा पीपुल स्ट्रोलिंग आउटसाइड ईटिंग पिज़्ज़ा, और जो क्वीन थी, जो वहाँ की जो क्वीन थी, उसने क्या देखा, वहाँ पर लोगों को घूमते हुए बाहर की ओर ईटिंग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाते हुए। शी वॉन्टेड टू ट्राई सब पिज़्ज़ा फॉर हर सेल्फ, वो भी उनके खुद के लिए पिज़्ज़ा की, उन्होंने पिज़्ज़ा चाहा, मतलब उन्होंने क्या चाहा कि भाई मैं भी पिज़्ज़ा खाऊँ। राफेल एस्पोसिटो वॉज ए पॉपुलर पिज़्ज़ा मेकर इन टाउन, जो राफेल था वो वहाँ पर उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर था पिज़्ज़ा बनाने में। ही वॉज चूजन टू मेक ए पिज़्ज़ा फॉर द क्वीन, उसे क्वीन के लिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए चुना गया। एस्पोसिटो वॉन्टेड हिज पिज़्ज़ा टू बी एक्स्ट्रा स्पेशल, और वो जो था एस्पोसिटो वो भी कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहता था, क्योंकि क्वीन के लिए बनाना था तो वो भी एक्स्ट्रा स्पेशल बनाना चाहता था। सो ही मेड ए पिज़्ज़ा यूजिंग द कलर्स ऑफ इटालियन फ्लैग, और इसलिए उसने क्या करा, सो ही मेड ए पिज़्ज़ा, इसलिए उसने एक पिज़्ज़ा बनाया किससे, यूजिंग द कलर्स ऑफ द इटालियन फ्लैग, जो इटालियन फ्लैग था उसके कलर्स से, रेड ग्रीन एंड वाइट।
जो कलर कौन कौन से थे? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। रेड टोमेटो, रेड क्या थे? टोमेटो थे। ग्रीन क्या थी? ग्रीन बेसिल, जो एक कोई जड़ी जड़ी बूटी होती है ना, वो थी। एंड व्हाइट मोजरेला चीज, और व्हाइट क्या था? मोजरेला चीज था। वेंट ऑन हिज पैट्रियोटिक पिज्जा, उसके एक देशभक्त पिज्जा के जैसा वो एक पिज्जा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।